इस वीडियो में हम बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के फिजिक्स का गैस पेपर के बारे में, जिस भी स्टूडेंट का फिजिक्स सब्सिडी पेपर में आते हैं, चाहे वो मैथ से बिलोंग करते हैं या फिर केमिस्ट्री से या फिर बायो से या किस भी सब्जेक्ट से, आप ऑनर्स पेपर आपके किस भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन आपके सब्सिडरी में अगर फिजिक्स है तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको गैस पेपर, कौन सी गैस पेपर लेनी चाहिए, गैस पेपर वक्त लेने वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, आपको कौन सी गैस पेपर में क्या क्या दिया जाएगा और कौन सा गैस पेपर कितना सफिशियंट है एग्जाम के लिए, पार्ट वन के एग्जाम के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको हम बताता हूँ। तो देखिए, गैस पेपर आपको जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की आती है वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की जो गैस पेपर है वो दिसंबर के समय में आ जाती है। तो अभी जो पार्ट वन की गैस पेपर है वो मार्केट में आ चुकी है, आप जाके ले सकते हैं। लेकिन मैं उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ डिटेल से आपको कौन सा गैस पेपर जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए, गैस पेपर आपको दो है, एक ए वन का गैस पेपर आता है, ठीक है, एक ए वन का गैस पेपर आता है और एक जसपाल का आता है, ठीक है। हम कन्फ्यूज हो रहे हैं, जसपाल होता है या जसवाल होता है। तो आपको ये दो गैस पेपर आता है, गैस पेपर और भी सारे बहुत आते हैं लेकिन इस दोनों जो गैस पेपर हैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो ये जसपाल और ये ए वन का गैस पेपर आपको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इस वीडियो में वो भी बात करूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी बात करूंगा जो इस बार पेपर में आपको आ चुके हैं, और हिस्ट्री जो इस क्वेश्चन इस गैस पेपर से फंस चुके हैं, जो गैस पेपर से आए हैं क्वेश्चन पिछले ईयर सब्सिडरी पेपर में, तो वो मैं उनका भी उसका डिस्कशन करूंगा और साथ में आपको सब्सिडरी पेपर प्रीवियस ईयर का मैं दिखाऊंगा 2019 का पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, क्योंकि उससे पहले जो है सुमगध यूनिवर्सिटी थी तो इस वजह से नहीं दिखा, इस वजह से जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी इस बार अलग हुई है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गैस पेपर का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को आपको सबसे पहले आपको ध्यान, गैस पेपर जब भी लेने जाइएगा तो उसमें आपको यहाँ पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी दिया रहे, ठीक है, आपको यहाँ पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी रहे, ना कि आपको मगध यूनिवर्सिटी रहे, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अलग हो चुका है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो। यहाँ पर मैं ए वन की गैस पेपर के बारे में बात करूँगा और ये 2020 का है ए वन की गैस पेपर के बारे में, और जसपाल का गैस पेपर अभी तक नहीं आई है मार्केट में, जब आएगी तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और आपको जिस भी गैस पेपर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखिए, आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी यहाँ आना चाहिए, ए वन का आपको गैस पेपर आपको चाहिए तो वो आपको ए वन जरूर ही आप जो है ये। और इम्पोर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे देखिए ये ए वन का गैस पेपर है, उसके बाद यहाँ पे देखिए फिजिक्स पास सब्सिडरी पार्ट वन है, उसके बाद देखिए इस पेपर का जो है आप जहाँ मार्केट में जाइएगा तो आपको जो है ये रेट दिखाएगा 80 रुपीज, आपको यहाँ पे प्राइस देखिए यहाँ पे 80 रुपीज दिखाएगा, लेकिन आपको 80 रुपये में आपको 80 रुपीज में नहीं लेना है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल वैल्यू होता है वो 40 रुपीज, अगर 40 रुपीज से ज़्यादा मांगता है तो आप उसको मत दीजिए। ये आपका जो है सेकंड इम्पोर्टेंट बात है। और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है वो सिलेबस के बारे में। तो देखिए, ये आपका सिलेबस दिया गया, ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। तो सिलेबस में देखिए, ये फिजिक्स है यहाँ पे पार्ट वन PPU, तो इसमें ग्रुप ए में है रिलेटिविटी मैकेनिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसी तरह आप अगर नीचे आ जाते हैं ग्रुप बी में, तो ग्रुप बी में है यहाँ पे देख सकते हैं आप वेव एंड एकॉन्स्टिक, और सी में है थर्मल फिजिक्स, और अगर डी की बात करूँ तो डी इसमें फिलहाल है नहीं, इसमें जो है ग्रुप सी है। तो आप जो ये जो इसमें जो आपको सिलेबस दिया गया है उसको आप इस सिलेबस से जरूर, आप इस सिलेबस से एक बार इसको जरूर मिला लें। ये जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई थी रिलेटिविटी मैकेनिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और यहाँ पे एकॉस्टिक्स वेव्स एंड एकॉस्टिक्स थर्मल फिजिक्स, ये सब्सिडरी पेपर जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सब्सिडरी पेपर है, तो आप इससे एक बार जरूर मिला लें इस गैस पेपर को। तो आप जिस भी शॉप पे जाते हैं तो आप जो है इसको एक बार जरूर मिला लें, ये सिलेबस को आप जो है एक बार जरूर ध्यान से मिला लें, और शॉप पे ही मिला लीजिए, किसी दुकान पे जाएं तो आप दुकान पे ही बुक के स्टॉल पे ही मिला लीजिए, ताकि आपको रूम पे आने के बाद जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी, आपको ध्यान में दो बातें रखनी, जो एक तो खरीदने के वक्त दो गैस पेपर आपको ध्यान में रखनी है, एक ए वन और जसपाल, और बहुत सारे आते हैं तो जो उस वो उसका ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वैसे तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप
अगर आप बुक को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको इस ये गैस पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप दी बुक को ध्यान से नहीं पढ़ें तो आपको गैस पेपर आप अगर अटेम्प्ट लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सफिशियंट हो एग्ज़ाम के लिए, तो आप A1 और जसपाल को फेवर कर सकते हैं। ठीक है, और मैं बात करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ये जो है A1 में जो दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन 2019 एग्जाम, तो वो मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए, आपको जिस प्रकार से सिलेबस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का अभी जो मैं पहले कुछ देर पहले दिखाया था, तो उसमें जिस प्रकार से आपको सिलेबस को डिवाइड किया गया है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, तो आपको क्वेश्चन भी सब्सिडरी पेपर में इसी टाइप से पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे ग्रुप ए है, यहाँ पे ग्रुप बी है और यहाँ पे ग्रुप सी है। तो ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए फिजिक्स सब्सिडरी पेपर पार्ट 1 है, PPU 2019 एग्जाम का है। तो आपको ये सारा क्वेश्चन है, और ये देखिए ये जो भी स्टार किया हुआ है, 1 स्टार 2 में स्टार किया गया है, 3 में नहीं किया गया है, फिर 4 में आपको स्टार, 6 में स्टार, और उसी तरह आप यहाँ पे ग्रुप बी में आते हैं तो 8 नंबर क्वेश्चन में स्टार किया गया है, फिर ग्रुप सी में आते हैं तो 9 और 10 नंबर क्वेश्चन में स्टार किया गया। तो ये जो स्टार किया गया क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट A1 के गैस पेपर से ही, जो यहाँ पर लिखा हुआ द क्वेश्चन हु लेवल्ड विथ स्टार आस्क्ड फ्रॉम A1 गैस पेपर 2019, A1 गैस पेपर से पूछा गया है। तो आप इससे अनुभव लगा सकते हैं कि A1 का गैस पेपर भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो आप अगर जसपाल और A1 में से आप किसी को भी फेवर करते हैं 100%, तो ये बात तो ट्रूथ है कि 100% आपको किसी भी गैस पेपर से लड़ने वाला नहीं है। तो इस दोनों गैस पेपर में से आप किसी एक को फेवर कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपके पास टाइम है तो आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, तो ये हो गया सब्सिडरी पेपर आपको फिजिक्स का। अगर आप किसी और भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। अगर मैं आपको फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको अगर पता नहीं है, तो आपको मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।